बड़ी, क्या तुझे आउटसोर्स का मतलब पता है? सिंपल यार, आउट करने का तरीका। ओ भाई इतना क्रिकेट मत देखा कर, कभी कभी एबीसी स्किल्स की वीडियो भी देख लिया कर। हेलो मेरे क्लासी दोस्तों, दिस इज अंकित फ्रॉम एबीसी स्किल्स एंड आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ मीनिंग ऑफ आउटसोर्स। तो आउटसोर्स हमारी एक बिजनेस वोकैबलरी है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपना काम किसी और कंपनीज के एम्प्लॉय से करवाती है। तो गाइस इस चीज़ को हम लोग आउटसोर्स कहते हैं। जैसे गाइस सब देखते हो कि कोई कंपनी है, उसके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, लेकिन उसके पास कुछ नया प्रोजेक्ट आया है, तो उस वक्त वो गाइस सोचती है कि क्यों ना हम इस काम को दूसरे देश के लोगों से करवाया जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सपोज कीजिए कोई कंपनी यूएस की है, अब उसे पता है कि इंडिया में लोग कम वेज पे काम को कर लेंगे, तो वो अपने काम को आउटसोर्स इंडिया के किसी कंपनी में कर देगी, ताकि गाइस उनका काफ़ी खर्चा बच जाएगा और साथ ही साथ उनको एम्प्लॉय को परमानेंट जॉब नहीं देनी पड़ेगी। तो गाइस बहुत सारी कंपनीज है जो अपने काम को आउटसोर्स करती है किसी और कंपनी के द्वारा। तो चलिए गाइस अब हम सेंटेंसेस के हेल्प से जानेंगे कि आउटसोर्स को हमें अपने सेंटेंसेस में कैसे कैसे यूज करना है। तो जो आप लोग के पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है, मैनी बिजनेसेस आउटसोर्स देयर प्रोजेक्ट्स टू वर्कर इन इंडिया। यानी बहुत से बिजनेसेस हैं वो गाइस अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करते हैं वर्कर्स को जो कि इंडिया में है। क्योंकि गाइस सबको पता है कि इंडिया में कोई भी अपने काम को आउटसोर्स करेगा तो वहाँ पे गाइस काफ़ी सारी कॉस्ट बच जाएगी, कि वहाँ पे लोगों को डॉलर्स में पे करना होता है और इंडिया में रुपीस में। तो अब गाइस हम लोग चलेंगे अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। तो जो हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है वो है, दे वर्क आउटसोर्सिंग द वर्क। यानी वे अपने वर्क को, अपने काम को आउटसोर्स कर रहे थे। तो गाइस इस तरीके से हम लोग आउटसोर्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आउटसोर्स का मीनिंग अच्छे समझ आया होगा, और अगर अच्छे समझ आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वर्ड को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पर मिलते जाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टू एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।